कहीं ना कहीं आपको गांव से लगाव है, गांव से काफी प्रेम है, तभी इसलिए आप गांव में आए। हाँ, गांव से लगाव इसलिए कि हमारी मातृभूमि है। जी जी, जन्मभूमि हमारी है जी, और हमारी यहीं की पैदाइश है। हेलो दोस्तों, मैं हूं पंकज, आप सभी का पंकज गांव वाला यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज मेरा ब्लॉग ऐसा है कि जो लोग गवर्नमेंट जॉब करते हैं कहीं अपने घर से बाहर, अपने जिले से बाहर, जब वो गांव आते हैं तो कैसे लोग उनका स्वागत करते हैं जब वो रिटायर हो जाते हैं। अभी हमारे गांव के बगल हैं एक भाई साहब हैं जिनका नाम है श्री परमानंद पांडे जी, जो उम्र मुझसे काफी बड़े हैं लेकिन रिलेशन में भाई लगते हैं। तो आज उनका रिटायरमेंट का दिन है, तो हम और हमारे बाबा जी दोनों लोग चल रहे हैं उनका स्वागत करने, और गांव के लोग, बहुत सारे लोग गए हैं उनका स्वागत करने के लिए। तो आपको मैं ये दिखाऊंगा विलेज के लोग कैसे यहाँ पर जो स्वागत करते हैं, कैसे सेलिब्रेशन करते हैं रिटायरमेंट का, वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। गाँव में ज्यादातर लोग अगर बाहर जॉब करते हैं तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय ही होते हैं, अगर अच्छी लेवल पे यहाँ देखा जाए। गांव में बिजनेसमैन नहीं होते हैं, गांव में ज्यादातर गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ से घर से निकल रहे हैं, हमारे घर से लगभग 1 किलोमीटर दूर है, वहाँ पर कुछ लोग इकट्ठे हो गए हैं बैंड बाजा के साथ, और गांव के कुछ स्थानीय लोग हैं, सभी लोग उनका फूल और मालार्पण करके उनका स्वागत करेंगे। अब यहाँ पर गांव के सभी सम्मानित लोग इकट्ठे हो गए हैं, यहाँ पर चल रहे हैं मालार्पण करने के लिए। यहाँ पर ये गीता यहाँ पर भेंट कर रहे हैं, सभी लोग यहाँ पर इकट्ठा हो गए हैं फूल माला के साथ। जो उम्र में बड़े हैं वो आशीर्वाद दे रहे हैं, जो उम्र में छोटे हैं वो आशीर्वाद दे रहे हैं। अब यहाँ पर ये इमोशनल सीन देखने को मिल रहा है। यहाँ पर इनकी बेटी है जो कि एक पिता से बिछड़ी रहती है, क्योंकि पिता वर्क करते हैं तो घर से बाहर रहते हैं। अब यहाँ पर मिले हैं, साथ में रहेंगे, काफी इमोशनल सीन है यहाँ पर। यहाँ पर सभी लोग बारी बारी से स्वागत कर रहे हैं। डर रहे हैं जो कि बहुत रिस्की होता है, लेकिन इतने उम्र में डर नहीं रहे हैं ये, देखिए। अब यहाँ पर चल रहे हैं केक काटने। धमाकेदार पाड़े बहुत तक आया, बहुत बहुत बम फोड़े यार। अब यहाँ पर घर के सामने दुर्गा माता जी का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे पंडित जी श्री सुधाकर शुक्ला जी मंत्र उच्चारण कर रहे हैं। ज्ञानसु भाई कुर्सी पर चढ़कर यहाँ पर घंटा बांध रहे हैं, प्रसाद वितरण यहाँ पर हो रहा है, सभी बच्चे लोग प्रसाद ले रहे हैं। यूट्यूब पे हुआ अब हम सभी यहाँ पर बाग में पहुँच गए हैं। ये हनुमान जी का मंदिर है, ये मंदिर आज से लगभग 4 से 5 साल पहले नया ही बना था। यहाँ पर एक बंदर की डेथ हो गई थी जो कि बीमार हो गया था, उसके बाद यहाँ पर गांव के सभी स्थानीय लोग ने मिलकर इस मंदिर का निर्माण करवाया था। हम फोड़े स्पेशलिस्ट आए, कोई भी आयोजन प्रयोजन होता है तो सबसे ज्यादा गोला यही तोड़ते हैं। पांडे जी आपने कितने गोले फोड़े आज? कोई गिनती नहीं है।
बगल में अपन के पूर्व ढाली बाबा जो है उनका यहाँ पर आशीर्वाद ले रहे हैं। अभी यहाँ पर हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। ये अभी यूपी पुलिस में वर्क कर रहे थे, रिटायरमेंट हो गए हैं। तो हमारा सबका मेन चैनल का मेन पर्पस ये है कि गांव की अच्छी चीज़ों को दिखाना। शहर वाले रिटायरमेंट होते हैं तो वहां पर कैसा सेलिब्रेशन होता है, होटल बुक करते हैं, वहां पर जाते हैं, इंटरटेनमेंट करते हैं, एंजॉयमेंट करते हैं। लेकिन हमारे गांव में ऐसा नहीं होता है। अगर हमारे गांव में कोई जॉब करता है उसके बाद रिटायरमेंट के बाद आता है गांव में, तो उसके लोग फूल मालापण के साथ स्वागत करते हैं। यहां पर जो गांव के देवी देवता होते हैं उनकी पूजा अर्चना करते हैं। यहां पर अभी भैया जी आए हैं, इनसे हम थोड़ा बात कर रहे हैं, थोड़ा मैं इनसे आशीर्वाद देना चाहूँगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना जीवन समर्पण अपने देश के लिए किया। आपने सबसे पहले मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ आपके रिटायरमेंट के लिए। ये बताइए कि आपने सबसे पहले अपना किस सन में आपने ज्वाइन किया था जॉब को? 82 में ज्वाइन किया सर। 1982 में भाई साहब ने जॉब किया था। यूपी पुलिस की जो नौकरी होती है 24 घंटे की होती है, इसमें छुट्टी नहीं मिलती है, काफ़ी चैलेंजिंग होता है। जैसे घर में कोई प्रॉब्लम हो जाती है इसमें छुट्टी नहीं मिलती है। राजस्व में बहुत सारी नौकरियाँ हैं लेकिन उत्तर प्रदेश की जो यूपी पुलिस की नौकरी है ये काफ़ी चैलेंजिंग होती है। तो आपके लिए कितना डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ा? अगर आप ऑन ड्यूटी रहते थे, अगर घर में कोई बीमार हो जाता था उसके लिए आप कैसे क्या करते थे? नहीं, सब सरलता से आसानी से हमको जो है छुट्टी भी मिल जाती थी और बड़ा फर्स्ट क्लास हमारा समय बीता। अच्छा अच्छा, हमने अच्छा अच्छा वर्क भी किया। अच्छा, अभी आपको मैं साइड में दिखा दूंगा कैसे इनका सम्मान पूर्वक इनका समापन किया गया। जब रिटायरमेंट हुआ था सभी अधिकारियों ने मिलकर इनका वहाँ पर स्वागत भी किया था रिटायरमेंट के लिए। अच्छा, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता, आप गाँव में पले बढ़े, आप 1982 में जब जॉब ज्वाइन किए थे आप गांव में भी रहे हैं, आप शहर में भी ड्यूटी किए हैं। मैं आपसे एक पर्सनल बात पूछना चाहता हूं, आप गांव में रहे शहर में रहे, आपको विलेज लाइफ ज़्यादा अच्छा लगा या शहर का जीवन ज़्यादा अच्छा लगा? नहीं, शहर में नौकरी तो पूरी जिंदगी तक नौकरी की है 40 साल। जी, हाँ, बचपन से पढ़ाई से लेकर पढ़ने के बाद हम नौकरी में चले गए। बचपन तो आपका गांव में बीता, उसके बाद जब आप बड़े हो गए शहर में गए, आपने गांव का भी जीवन देखा है, आपने शहर का भी जीवन देखा है, आपको सुकून कहाँ ज्यादा मिलता है? गांव में आने के बाद आपको ज्यादा सुकून मिलता है या फिर शहर में रहने का? सुकून हमको दोनों जगह रहा। अच्छा, दोनों जगह फर्स्ट क्लास। अच्छा, आपको कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नौकरी भी कभी नहीं है। चलिए ठीक है, लेकिन आपको कहीं ना कहीं गाँव से लगाव है, क्योंकि अगर आप रिटायरमेंट हुए उसके बाद यहाँ पर आए, अपने देवी देवताओं को जो आपके निवास के हैं सभी की पूजा अर्चना किया, देखा कैसे आपने मंदिरों पर यहाँ पर जगह जगह पर घंटे बांधे, प्रसाद चढ़ाए, गांव के सभी लोग इकट्ठे हुए, तो कहीं ना कहीं आपको गांव से लगाव है, गांव से काफी प्रेम है, तभी इसलिए आप गांव में आए। हाँ, गांव से लगाव इसलिए कि हमारी मातृभूमि है। जी जी, जन्मभूमि हमारी है। जी, और हमारी यहीं की पैदाइश है। जी, अब यही की नौकरी पाने के बाद हम अलग बस जुट गए हैं। अच्छा, लेकिन घर परिवार थोड़ा भूल गए हैं। नहीं, सही कह रहे हैं, परिवार हमेशा याद रखते हैं, पूरा सहयोग हमारा रहता है। तो जैसे कि गांव में क्या होता है, गांव में ज्यादातर लोग गवर्नमेंट जॉब करते हैं, शहर में लोग बिजनेसमैन में होते हैं। आपको डिफेंस में 95% लोग विलेज के मिलेंगे, चाहे वो भारतीय सेना हो, चाहे उत्तर प्रदेश पुलिस हो, या CRPF हो, या ITBP हो, या दिल्ली पुलिस हो, अगर डिफेंस में लोग आपको मिलेंगे तो 95% लोग विलेज के मिलते हैं, 5% लोग अदर के आपको मिलेंगे। तो अपना सारा जीवन यहाँ पर इन्होंने देश के लिए लगा दिया, संघर्ष करना पड़ा, संघर्ष सभी को करना पड़ता है। भगवान श्री राम ने 14 वर्ष का संघर्ष किया था, इन्होंने अपनी सारी जिंदगी ड्यूटी की जो 24 घंटे की होती है, ये भी एक संघर्ष है, त्याग है। अब आपका रिटायरमेंट हो गया, इसके बाद आपका क्या प्लान है? आप गाँव में रहेंगे या शहर में रहेंगे? नहीं, गांव भी रहेंगे। अच्छा, गांव में रहेंगे, गांव में रहकर यहां पर समाज सेवा करेंगे, सबके बीच उठे बैठे। चलिए, तो बहुत अच्छी बात है कि आप सारी जिंदगी जुड़े रहेंगे, परिवार हमारा है। उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं, अलग अलग जिलों में उन्होंने जॉब किया है, अब आखिरी रिटायरमेंट के बाद ये बोल रहे हैं कि मुझे गांव में रहना। लेकिन भैया जी का ये भगवान से लगाव है, गांव से लगाव है, यहां पर आए, पूजा पाठ किए, सभी गांव के लोग सम्मानित लोग इकट्ठा हुए, इनका स्वागत किए, ये एक बहुत अच्छे पद पर थे, सम्मानीय व्यक्ति थे, पूरे जीवन अपना त्याग किया, अब उसके बाद संघर्ष में जीवन इनका अब खत्म हो गया है, 7 साल के बाद रिटायरमेंट हो गया है, तो अब गाँव में ही रहकर अपना यहाँ पर रहेंगे, समाज सेवा करेंगे। तो आपने देखा कैसे मैंने दिखाया आपको यहाँ पर विलेज का लाइव। आई होप अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा, इसी तरह चैनल पर बनाए रहें। आपको गांव से लेकर पंकज गांव वाले चैनल पर समय समय पर ब्लॉग मिलता रहेगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। स्पेशल थैंक कहना चाहूँगा भैया जी को जो यहाँ पर आए, अपना समय दिया और यहाँ पर देख आपको दिखाया कैसे गांव के लोग रहते हैं, यहाँ पर गांव से जुड़े हैं, ज़मीन से जुड़े हैं, शहर में जॉब किए, 75 जिलों में गए, अदर अदर डिस्ट्रिक्ट में रहे, लेकिन अपना आखिरी में आकर यहाँ पर गांव में बसने का फिर विचार बना दिया। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। अगर चैनल पर नए सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, पंकज तिवारी UP मेरी ID है।